गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर एलेवन टेबल्स एंड चेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन इसके कुछ क्वेश्चन आपने पिछले साल थर्ड में कर चुके हैं एक्सपेंड जो आपका एक्सपेंडेड नोटेशन है तो इसमें क्या करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होगा तो एक्सपेंड एक्सपेंडेड नोटेशन है तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो थर्टी को हम एक्सपेंडेड थर्टी सिक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे थर्टी प्लस सिक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स मल्टीपल बाई फोर मल्टीपल बाई फोर इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्सपेंडेड नोटेशन की फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि कैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन होनी तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा यहां पे तो थर्टी सिक्स को हम क्या करेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे तो थर्टी प्लस सिक्स मल्टीपिकेशन थर्टी सिक्स क्या लिखा थर्टी प्लस सिक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई फोर तो ये क्या हो जाएगा फोर होगा ओके अब हमें क्या करना है इसमें ये मल्टीपिकेशन है मल्टीप्लिकेशन के हों थर्टी सिक्स थर्टी प्लस सिक्स तो थर्टी सिक्स हो जाएगा इसको एक्सपेंडेड नोटेशन मिलेगा मल्टीपल बाई फो मल्टीपल बाई फोर तो हम क्या करते हैं यहाँ से थर्टी ले लिया एंड इस फोर की मल्टीप्लिकेशन इस फर्स्ट नंबर के साथ कर दिया मल्टीपल बाई फोर एक चीज़ है देन प्लस प्लस देन सिक्स सिक्स मल्टीपल बाई मल्टीपल फिर इस फोर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर देंगे फोर के साथ कर देंगे तो इतना ही क्या हो जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा देन इसको सॉल्व करते हैं फोर मल्टीपल बाय जीरो जीरो फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व तो ये हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस प्लस ये आ गया सिक्स सिक्स मल्टीपल बाय फोर और फोर मल्टीपल बाय सिक्स तो ये क्या आ जाएगा सिक्स मल्टीपल सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर यह आ गया अब देखो वंस को वंस के साथ एड करने हैं एंड टेंस टू तो टेंस एड करने है, तो जीरो प्लस फोर वंस प्लेस इज फोर एंड वंस प्लेस इज जीरो तो फोर प्लस जीरो तो इट इज फोर देन टेंस टेंसिस हंड्रेड प्लेसिस एंड हंड्रेड प्लेस इज वन तो इट इज वन तो जो इसका आंसर आया वो क्या आ जाएगा 144 तो so, हमने जब 36 सिक्स मल्टीपल बाय फोर किया एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखा एक्सपेंडेड नोटेशन में हमने इसको स्टेप टू स्टेप ये स्टेप लिया फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपने फोर की मल्टीप्लाई इंडिविजुअली नंबर के साथ कर दिया पहले थर्टी के साथ फिर सिक्स के साथ देन इसको मल्टी हमने मल्टीप्लाई कर तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला एंड इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हमने इसका क्या कर दिया एडिशन कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वन हंड्रेड फोर्टी फोर तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर पार्ट कर दिया तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट आपके बुक में दिया है नाइन्टी टू मल्टीपल बाय फाइव नाइन्टी टू बी पार्ट है 92 टू मल्टीपल बाई फाइव अगेन राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन नाइन्टी टू इट मीन्स नाइन्टी प्लस टू एंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल बाई फाइव टू मल्टीपल बाई फाइव दैन नेक्स्ट स्टेप इज नाइन्टी मल्टीपल बाई फाइव प्लस टू मल्टीपल बाई नाइन्टी मल्टीपल बाय फाइव फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीपिकेशन करते हैं ब्रैकेट लगा प्लस प्लस टू मल्टीपल बाई फाइव टू मल्टीपल बाई फाइव एंड ब्रैकेट क्लोज ओके थर्ड स्टेप फाइव जीरो फाइव मल्टीपल बाय जीरो जीरो फाइव नाइन जा फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव ओके देन एडिशन एडिशन एंड फाइव मल्टीपल बाई टू फाइव टू जाके then addition ones place is zero and ones place is zero 0 plus 0 0 and 10's place is 1 and tens place is 5 so 1 plus 5 it means 6 and no, hundred place is zero and four, hundred place is 4 so 4 as it as 4 so it is answer multiplication is 92 multiplied by 5 is equal, 462 now third part is three digit numbers इसका थर्ड पार्ट करते हैं थ्री डिजिट नंबर्स में हम एक्सपेंडेड नोटेशन को कैसे करेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीपल बाई नाइन सी पार्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीपल बाई नाइन नाव वन हंड्रेड ट्वेंटी राइट इन एक्सपेंडेड नोटेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव 125, 100. Multiple by nine. First of all, write in 125 in expanded notation. So expanded form, expanded form like expanded form 100 plus 20 plus 5. It is expanded form. Then multiple by nine. Multiple by nine. Now multiplication by one by one. 100 multiple by nine. First of all, nine. मल्टीपल बाई 100 देन 9 मल्टीपल बाई 20 एंड देन 9 मल्टीपल बाई 5, ओके okay? 9 100 मल्टीपल by 9 लाइक like, then प्लस प्लस 20 मल्टीपल by 20 मल्टीपल by 9, 20 मल्टीपल by 9 then 5 मल्टीपल by 9. तो अब हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है किसकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जो हमने यहाँ पे नोट करना है तो ये आपको इस तरह से इसको दिखाना है तो ये आपने अब देन थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा नाइन मल्टीफिकेशन नाइन मल्टीपल बाय जीरो जीरो नाइन मल्टीपल बाई जीरो जीरो नाइन वन जो नाइन ओके देन एडिशन एडिशन नाइन मल्टीपल बाय जीरो जीरो नाइन मल्टीपल बाय टू एटीन राइट इन एटीन ओके देन प्लस प्लस नाइन मल्टीपल बाय फाइव इट इज फोर्टी फाइव वंस प्लेस इज फाइव वंस प्लेस इज जीरो एंड वंस प्लेस इज जीरो तो फाइव प्लस ज़ीरो प्लस जीरो इट मीन्स फाइव दैन टें्लेस इज फोर टें्लेस इज एट एंड टें्लेस इज जीरो तो फोर प्लस एट ट्वेल्व प्लस जीरो तो राइट इन ट्वेल्व लाइक दिस एंड दिस वन इज़ वैल्यू ऑफ ट्वेल्व एंड वन इज़ कैरी यहाँ पे वन क्या हो गया कैरी जनरेट हो गया तो इसको हमने अभी यहीं पर रहने दिया टेन से हंड्रेड प्लेस इज वन प्लेसिस हंड्रेड प्लेस इज नाइन नाइन प्लस वन नाइन प्लस वन टेन प्लस वन कैरी प्लस वन कैरी तो इट इज इलेवन इट इज इलेवन तो इट नाइनटी वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मल्टीपल बाई नाइन इट इज़ वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो इस तरह से आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोडक्ट बाय द यूजिंग एक्सपेंडेड नोटेशन आई होप आप इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप इनकी नेक्स्ट जो पार्ट है उसको आप प्रैक्टिस कॉपी में घर से खुद से करें थैंक यू हैव एन नाइस्ट डे